हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल पूर्वी काले लॉक्स। सो गाइज, आज मुन्नर में हमारा थर्ड डे है और मुन्नर से अब हम लोग थेकड़ी जाने वाले हैं और थेकड़ी यहाँ से 104 किलोमीटर है। सो दो घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और चेकआउट हमारा होने वाला है। थोड़ी देर में हम लोग चेकआउट कर लेंगे और ये देखिए पूरे बादल कितना अच्छा दिख रहा है। और ये जो आपको पूरा व्हाइटिश दिख रहा है पहाड़ों के आगे, ये भी पूरे बादल है। ये बादल चल के बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं। अभी जब हमने देखा था तब बहुत दूर थे और बिल्कुल अब पहाड़ के बिल्कुल सामने आ गए। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। और बिल्कुल जैसा वीडियो में व्यू है बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा हमें दिख रहा है। सो देख सकते हैं आप पूरा व्यू, बहुत मस्त प्लेस, इतना अच्छा है। होटल का व्यू, होटल से व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, पूरे बादल का, ग्रीनरीज का देख सकते हैं आप। यहाँ भी पीछे भी पहाड़ है, वो भी कितने सुंदर है। थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, ये देखिए आप। सो गाइस, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए और ब्रेकफास्ट रेडी है। ये रही पूड़ी, ये रही आलू की भाजी, ऑमलेट, पाइनएप्पल जूस और ये रहा ब्रेड, बटर, जैम। सो गाइस, करते हैं अब नाश्ता। सो गाइस, फाइनली हमारा चेकआउट हो गया है और हम लोग मुन्नर के जिस होटल में रुके थे उसका नाम है कैपिथन डैल। ये मुन्नर से थोड़ा सा दूर है बट इस होटल जैसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। सो आप मेरे रिकमेंड पे इस होटल पे आ सकते हैं। और ये यहाँ की पार्किंग है, पार्किंग भी टॉप फ्लोर है और व्यू भी बहुत अच्छा है, पार्किंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप। सो गाइज, यहाँ के रूम भी बहुत अच्छे थे, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और सर्विसेज बहुत अच्छी थी। मतलब अगर आपने ऑर्डर दिया है तो 5 से 10 मिनट में आप लोगों को फूड जो भी आप लोगों ने मंगवाया है वो आपको रिसीव हो जाएगा और बहुत अच्छा था होटल। सो जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है होटल की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। सो गाइज, चेकआउट हमारा हो गया है, अभी हम लोग थेकड़ी के लिए निकले हुए हैं और थेकड़ी यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है और हम लोग देखने वाले हैं केरला स्पेशल शोज जो बहुत अच्छे हैं, कथकली वगैरह, मार्शल आर्ट वगैरह, बहुत सारे शो हैं हम लोग देखने वाले। सो गाइज, यहाँ पर तो शादी की बारात निकल रही, सो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हम लोगों को, ऐसा लग रहा है। देखते कब तक ट्रैफिक क्लियर होता है और हम लोग थेकड़ी पहुँचते हैं। देखिए गाइस, थेकड़ी के रास्ते में बहुत सुंदर स्पॉट वगैरह है और ये देखिए कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत अच्छे। और ये पूरी टी प्लांटिंग है ना ये वाली, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। हम लोग थेकड़ी के रास्ते से जा रहे थे सो हमें रास्ते पे ही इतनी बड़ी गणपति जी की मूर्ति मिली, सो हमने वहाँ पर रुककर दर्शन करे। और गणपति जी की जो मूर्ति थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी और बीच रोड पे थी, सो बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके। सो फाइनली हम लोग थेकड़ी पहुंच गए हैं और हम लोग अब होटल चेक इन करने वाले हैं और उसके बाद ही हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं ना, जो थोड़ी सी थकान हो गई है, उसके बाद ही हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर ही निकलेंगे।
सो रिसॉर्ट तो हम लोग पहुंच गए हैं और रिसॉर्ट दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। ग्रीनरीज वगैरह भी बहुत अच्छी है। सो देखते हैं अंदर रिसॉर्ट फैसिलिटीज कैसी होती है। हम लोग होटल पहुंच गए हैं और हमारा ट्रेडिशनली वेलकम होने वाला है और हमारे होटल का नाम है ग्रीन बुट। और ये देखिए ट्रेडिशनल वेलकम मैम करने वाली है हमारा। चल नमस्कार अम्मा, वेलकम टू ग्रीन बुट। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ होटल का लॉबी। सो ये रहा होटल का पूरा लॉबी। यहाँ पर ये झूला है, ये हाथी वगैरह है। पूरा ट्रेडिशनल तरीके से इन लोगों ने पूरा होटल का लॉबी तैयार करा हुआ है। ये है खलबत्ता, ये वुडन्स की चेयर, वॉच वगैरह बहुत पुरानी है। और ये देखिए समई वगैरह भी लटका रखी, बहुत सुंदर दिख रही है। और ये रही वेलकम ड्रिंक ब्लैक टी, जो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ सो मैंने नहीं ली। और ये देखिए ये समई कितनी सुंदर लग रही है। वाओ, बहुत अच्छे से होटल का लॉबी बहुत अच्छा तैयार करा है। पूरे हाथ दिखा दे, चलो गाइस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रीन बोट का रूम कैसा है। सो ये रहा हमारा रूम। बहुत ऑसम है। स्टेप्स ये चेयर से वुडन की, दो देख सकते हैं आप। विंडो भी पूरा वुडन का है, डोर भी पूरा वुडन का है। यहाँ पर पूरा वुडन ही करा गया है। इसका जो टेरेस है वो भी पूरा वुडन का है। ये दो चेयर्स, डाइनिंग टेबल। वाओ, ये भी बहुत अच्छा है पॉट। और ये इधर देखिए, ये सिटिंग चेयर है। यहाँ पर बैठ कर हम लोग हमारा कुछ काम वाम कर सकते हैं। चेयर देन ये पूरा कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए है। और ये जो आप ड्राई फ्रूट्स देख रहे हैं ये चार्जेबल है। इसका चार्ज हमें देना पड़ेगा अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो। गाइस इसके यहाँ पर रेट्स भी लिखे हुए हैं, अगर हम कुछ लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या लिया है। सो यहाँ पर रेट भी है इसके दिए हुए। और उसके बाद इसी ड्रॉर के अंदर फ्रिज है, ये देखिए फ्रिज है। और ये जो 7-Up वगैरह है ये सब भी चार्जेबल है। ये चॉकलेट्स है इसमें और ये 7-Up वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और अगर ये हमें लेना है तो ये चार्जेबल है, ये फ्री में नहीं है। सो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें चार्ज देना पड़ेगा। देन ये बैड, और ये बहुत अच्छे से ये टॉवल वगैरह का ऐसा कुछ बना के दिया हुआ है इन लोगों ने। बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही किसी होटल में ऐसा देखा है सो अच्छा लगा मुझे। ये लैंप दो, देन एसी, ठीक है। सो गाइस ये है बाथ एरिया पूरा, ये देख सकते हैं आप। बड़ा सा मिरर दे रखा है। देन हेयर ड्रायर, ये बहुत स्मॉल वाला,
ये पूरा देखिए सिस्टमेटिक है, पूरा देखिए आप कितना सिस्टमेटिक है। टॉवल ऊपर रखेंगे, मुझे तो इनका बाथरूम। सो गाइस लगेज वगैरह तो हमने रख दिया है अंदर, अब हम जा रहे हैं पेरियार लेक। पेरियार लेक में हम लोग थोड़ा बहुत बोटिंग वोटिंग करेंगे, उसके बाद हम स्पेशली यहाँ के कल्चर का थोड़ा डांस वगैरह होता है या कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह होता है जो हमने सुना है, सो वही हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। सो चलते हैं अभी पेरियार लेक। सो गाइस अभी हम लोग वहाँ पर आए जहाँ पर हमें पेरियार टाइगर रिजर्व की टिकट्स मिले हैं। सो ये टिकट्स हैं पर पर्सन 65 रुपीज़ है। पीयूष जी और मेरा टिकट मिला के 130 हुआ है। सो ये बस है तो इसी बस में हम लोग जाने वाले हैं और इसी बस में हम लोग घूमने वाले हैं। सो वहाँ पर ही जाकर हमें बोटिंग करने के लिए मिलेगा। सो चलते हैं। और गाइज जैसा हमने सुना है कि टाइगर भी दिखेगा, सो देखते टाइगर दिखता है या नहीं। सो गाइज ये है गवर्नमेंट की बस, इसी में बैठ के हम लोग पेरियार लेक जाएंगे और पेरियार लेक से ही हमें बोट मिलेगी। पेरियार लेक हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर टिकट बोट का 255 पर हेड है। सो अभी हमें वही पे करना है और हम लोग वही लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर पूरा टाइमिंग भी लिख रखा है। बोट राइड के लिए हम लोग निकल गए हैं और हमारी बोट स्टार्ट हो गई है और इस बोट से हमें राइड करने में 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है क्योंकि बोट बहुत आराम आराम से चलती है। सो ये देख सकते हैं आप, इसका स्पीड बहुत स्लो है और बिल्कुल हम जंगल जो है ना, जंगल एरिया, उसके बीचों बीच है। सो गाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो आप देख रहे हैं ये डियर है और हमने ऐसा सुना था कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है सो टाइगर वगैरह दिखेंगे, सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये देख सकते हैं आप हमें क्या दिखा है, डियर वगैरह ही दिखा है और छोटे छोटे से मंकी वगैरह दिखे हैं और उसके अलावा तो कुछ नहीं दिखा है। सो गाइज हमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया और बोट की स्पीड बहुत स्लो थी, सो बहुत बोर लग रहा था। बस यही है कि बोट राइड में हमें इतना ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया। सो अभी हम लोग बोट के किनारे पहुंच गए हैं जहां से हम लोगों ने बोटिंग स्टार्ट करी थी और यहां से ही हमें वापस फॉरेस्ट की ही बस में जाना है और वहां से हम हमारी कैब तक पहुंचेंगे। सो अभी तो हमारी जो बोट है वो किनारे पे लगने वाली है, वो सामने जो आप देख। गाइज मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है और यहाँ का केरला स्पेशल कथकली और मार्शल आर्ट वगैरह जो है वो मैं वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगी। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।